हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रणसी ट्रेंड्स। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एम्स न्यू दिल्ली का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट्स के बारे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है उसके बारे में। तो ये 15 नवंबर के डेट का है, तो इसमें देख लीजिए जो रिज़ल्ट आया था, नोटिफिकेशन नंबर 167/2019 28/9/19 के डेट में। तो उसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 5, 6, 9, 10 और 11 दिसंबर के डेट में। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है रामलिंगा स्वामी बोर्ड रूम नियर डायरेक्टर्स ऑफिस एम्स न्यू दिल्ली, और जो शेड्यूल आपका होगा उस डेट और टाइम पे आपको जाना है इस एड्रेस पे, आपको रामलिंगा स्वामी बोर्ड रूम नियर डायरेक्टर्स ऑफिस एम्स न्यू दिल्ली। और आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है और एक सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी साथ में ले जाना है। तो देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन स्लिप जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था वो, और एडमिट कार्ड जो एग्जामिनेशन सेक्शन ने इशू किया था वो लेके जाना है। सेकेंड है मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। अगला है डिग्री और डिप्लोमा, अगर डिग्री है तो डिग्री, नहीं तो डिप्लोमा। और नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ INC रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री, तो ये INC का प्रूफ आपको लेके जाना है। आई थिंक ये आपका INC में जो इनरोलमेंट अभी चल रहा है तो वही प्रूफ है। नेक्स्ट वन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका होगा ग्रेड ए का या फिर ग्रेड ए नर्स का फ्रॉम स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप मेंशन किए हैं कि आपने आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको, और ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ बेड्स है हॉस्पिटल में, और ये आपको एटलीस्ट 50 और फिर मोर बेडेड का होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट है अगर SC ST OBC और या EWS कैटेगरी है तो आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट लेके जाना है, और ये आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 21/8/19 के पहले का होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट जो है अगर PWD कैंडिडेट हैं तो उनको भी अपना जो सर्टिफिकेट है हैंडीकैप्ड का वो परफॉर्मा उनका था उनके अकॉर्डिंग लेके जाना है। EWS सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू होता है उसको भी लेके जाना है, और इसमें इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है इशू होता है वो भी आपका फॉर्मेट जो है वो एनेक्सर वन में दिया हुआ है वही एक्सेप्टेड होगा, कोई दूसरे टाइप का जो परफॉर्मा आप लेके जाइएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में तो आपको NOC लेके जाना है। और नेक्स्ट है फोटो ID प्रूफ, तो ID कार्ड तो आप आधार पैन वगैरह सारा कुछ जो भी हो कुछ एक आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट को जो है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो का रिसेंट जो कलर्ड फोटोग्राफ है वो लेके जाना है, और देखिए नोट करने के लिए बोल रहा है कि ये कैंडिडेट जो है वो प्रोविजनल है, अगर आप किसी भी कंडीशन में अगर आप पाए जाते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं और फिर आप उनके कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पहले अपना एलिजिबिलिटी डिसाइड कर लीजिए, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, देन आप लोग वेरिफिकेशन में जाइए। ओके, तो ये आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो बाद में इशू किया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सेटिस्फेक्ट्री हो जाएगा वो उसके बाद। नेक्स्ट है कोई भी TA DA जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये देख लीजिए EWS कैटेगरी के लिए जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। ओके, और अगला देख लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है उसमें आपका पूरा डेट वाइज रूम नंबर सॉरी डेट वाइज और रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार सारे लोगों का दिया हुआ है, तो आप लोग अपना जो है रोल नंबर के अनुसार अपना
डेट ऑफ वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।